अस्सलाम वालेकुम, मैं जफर खान आप सभी को जेड नाउ टीवी की तमाम टीम की जानिब से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक पेश करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने ईद खुशियों के साथ मना रहे होंगे। इस वक्त वबा ने हमें और आपको घेर रखा है, इसकी जद में ना आए इसीलिए आप हिफाजती जो इकदामात हुकूमत की जानिब से उठाए गए हैं उसको ज़रूर फॉलो करें। और आप भी ईद मिलने अगर किसी के पास जा रहे हैं या फिर कोई आए हैं तो आप एहतियात बरतें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस ज़रूर रखें। हाथ ना मिलाएं, हो सका तो बस इसी तरह आप अपने हाथ को इस्तेमाल करें। अगर आपको कुछ शक व शुबा हो रहा है तो आप फौरन सैनिटाइज कर लें और अपने आप में एहतियात बरतें। आज हम आपको ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। मेरे साथ आपके और कई चाहने वाले भी हैं, कुछ बॉलीवुड से है, कोई हैदराबाद से है, कोई और आपके मनपसंद सितारे भी रहे, तो आप लोग भी हमारे इस कही गई बातों का ख्याल जरूर रखें। आइए देखते हैं आपके जो सितारे हैं और चाहने वाले हैं उन लोगों ने भी आपके लिए क्या पैगाम भेजा है हमारे इस टीवी चैनल जेड डॉट टीवी की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। हैदराबाद के प्यारे प्यारे बाशिंदों और जेड नाउ टीवी के तमाम समयीन नाजरीन को आपके दोस्त आपके भाई रजा मुराद की तरफ से माह रमजान की पुरखलूस दिली मुबारकबाद। बारगाहे इलाही में अल्लाह ताला से मेरी आप सबके लिए ये दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, आपकी उम्र दराज हो और आप सेहतयाब रहें। फिलहाल सेहतयाब रहने का इस मुश्किल दौर में जिसे हम कोविड-19 का दौर कह रहे हैं, इस मूजी मर्ज से बचने के लिए कुछ ही तरीके हैं। पहला तो यह कि आप जल्द अज जल्द 2 वैक्सीन्स ले लें और अगर वो फिलहाल दस्तयाब नहीं है या फराहम नहीं है तो आप साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें, अपने हाथ सैनिटाइजर से धोएं, बाहर जाते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। यही तरीका है इस मूजी मर्ज को अपने आप से दूर रखने का। और हाँ, एक मेरी ताकीद और है कि ईद के मुबारक मौके पर मुबारकबाद देते हुए आप अपने दोस्तों और खैरख्वाहों से भी एक फासला बनाए रखें। बगलगीर होने या गले मिलने के बजाय आप दूर से उन्हें आदाब करें। याद रखें, सेहत है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। एक बार फिर आपके दोस्त रजा मुराद की तरफ से आपको ईद की पेशगी मुबारकबाद। फी अमानुल्लाह।